जनपद में ठंड से निपटने के लिए जिला प्रशासन की सभी तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि ठंड को देखते हुए कंबल वितरण के टेंडर को फाइनल कर दिया गया है। इसके अलावा जनपद के सभी रैन बसेरों की साफ सफाई करवाया जा रहा है, जिससे अगर कोई व्यक्ति रैन बसेरों में रुकने के लिए जाता है तो उसको सभी सुविधा मिल सके। इसके अलावा हाईवे पर जितने भी कट्स बने हुए हैं उसको बंद किया जा रहा है। हाईवे पर पेट्रोलिंग को बढ़ाने के लिए कहा गया है, जिससे कोहरे के समय एक्सीडेंट कम हो। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिस जगह पर अलाव जलना है उस जगह को चिन्हित किया जाए, जिससे ज्यादा ठंड पड़ने पर अलाव का व्यवस्था किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, जहाँ का लाइसेंस बना हुआ वहाँ के लिए जो हमारे कमल का जो टेंडर होना था वो लगभग फाइनलाइजेशन स्टेज पे है। इसके अतिरिक्त जितने भी रैन बसेराज हैं नगर निगम के और नगर पंचायत के, उसको चेक कराया जा रहा है और इंश्योर किया जाएगा कि जो भी लोग वहाँ जाएं उनको पूर्ण सुविधा मिले, बिना कि हैजल फ्री, किसी बिना किसी परेशानी के। इसके अतिरिक्त जितने भी कट्स हैं अवैध बने हुए उसको डिमार्केट किए जा रहे हैं ताकि उसको बंद करें, और हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए ताकि कुहासा में एक्सीडेंट कम हो। ये हम लोग का प्रायोरिटी है, इसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये जगह भी चिन्हित किया गया है, नगर निगम और नगर पंचायत को भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे ज़्यादा ठंड पड़ेगा तो उस हिसाब से व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा।